So hello guys, first of all good morning to you. I am Yogesh here and you are watching Goyal Computer Classes with Screen Reader. So guys, first of all sorry because वीडियो काफ़ी डिले से आ रहा है बिकॉज मैं थोड़ा बिजी था तो इसीलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो गाइज चलिए खैर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और बिल्कुल जी हाँ, मैं बात करूँगा आज गाइज टॉपिक जो हमारा है वो है नेविगेशन मेन्यू, वेबसाइट नेविगेशन। तो आपने नेविगेशन मेन्यू देखा ही होगा वेबसाइट पर, तो उसके बारे में बात करेंगे ये क्या है और कैसे इसको क्रिएट करते हैं यूज़ ऑफ HTML एंड उसके बाद इसमें और इसको कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं CSS का यूज़ करके। तो चलिए गाइस इसको शुरू करते हैं और अगर आपके कुछ भी फीडबैक्स हैं तो जैसा मैंने हमेशा कहा है आप डिस्क्रिप्शन में जाके आपको मिल सकते हैं, वहाँ से ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट मुझे कर सकते हैं आप। तो खैर गाइस चलिए शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल को और सीख लेते हैं नेविगेशन मेन्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। तो गाइज़ चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जैसा आपने टॉपिक पढ़ ही लिया है गाइज़ इसका, जो आज हम बात करेंगे नेविगेशन मेन्यू के बारे में कि एक वेबसाइट में नेविगेशन मेन्यू जो होता है वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। ओके तो गाइज़ सबसे पहले हम HTML का एक सिंपल सा नेविगेशन मेन्यू क्रिएट करेंगे और उसके बाद उसमें CSS का यूज़ करेंगे। तो पहले देखते हैं कि HTML में जब नेविगेशन क्रिएट करते हैं तो वो कैसा दिखता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं, मैं नोटपैड मेरा ओपन है, मैं उसमें दिखाता हूँ आपको जाके। ओके टैब नेविगेशन अप ऑल टैब अनटाइटल डैश ऑल शिफ्ट टैब नेविगेशन अंडरलाइन मेन्यू डॉट html डैश नोटपैड ऑल टैब 4 ऑल टैब अनटाइटल डैश नोटपैड अनटाइटल डैश नोटपैड एलएस स्लैश बॉडी ग्रेटर। हां तो गाइस यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर जो बेसिक HTML का स्ट्रक्चर है वो यहां पर मैंने जितने भी मतलब टैग होते हैं HTML के जो मेन टैग हैं वो मैंने सब यहां पर ऑलरेडी टाइप किए हैं। यहाँ पर मैं आपको रीड करवाता हूँ एक बार और आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर वीडियो में भी अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर शो हो रहा होगा जितनी भी टैग हैं यहाँ पर शो कर रहे होंगे। तो मैं एक बार आपको रीड करा देता हूँ इनको। less doc type html greater land less html greater less head greater less title greater my first web page less slash title greater less slash head greater less body greater less slash body greater less slash html greater। ठीक है गाइस यहाँ तक कंप्लीट है, यहाँ तक हमारे जितने भी मेन टैग हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी मैं टाइप कर चुका हूँ। अब इसके अंदर गाइस हम यहाँ पर देखना शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर हम कोई नेविगेशन मेन्यू या क्रिएट करते हैं या फिर तो उसमें क्या होता है, हम अनऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं और अनऑर्डर लिस्ट कहें तो लिस्ट इक्वल्स ऑफ लिंक, मतलब लिस्ट के अंदर जो भी हम लिंक देते हैं तो वो एक लिंक लिस्ट कह सकते हैं हम उसको, वो बन जाता है। तो गाइस वो कैसे पॉसिबल है, हम अनऑर्डर लिस्ट लेते हैं उसमें हम एंकर टैग का यूज़ करते हुए लिंक को देते हैं यहाँ पर, जैसे हम हाइपर लिंक का यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको और एंकर टैग के बारे में भी मैंने बताया था कैसे यूज़ करते हैं उसको। तो मैं गाइस यहाँ पर शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम एक सिंपल HTML का नेविगेशन मेन्यू बना के देखते हैं कि वो कैसा शो होता है, उसके बाद में फिर हम CSS प्रॉपर्टी का इसमें इस्तेमाल करेंगे गाइस। तो मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर बॉडी वाले पार्ट में आ चुका हूँ गाइस। मैंने यहाँ पर बॉडी टैग के बाद एंटर किया, एक न्यू लाइन ली मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर गाइस सबसे पहले मैं UL टैग को ओपन करूँगा जो कि अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था। अब गाइस इसके बाद लिस्ट आइटम के अंदर हम उस एंकर टैग को यूज़ करते हुए यहाँ पर हम अपना लिंक देंगे। तो मैं यहाँ पर लिस्ट को ओपन करता हूँ, लिस्ट आइटम को लेस एल आई ग्रेटर के लिस्ट आइटम जो एल आई ग्रेटर एलिमेंट है गाइस मैंने यहाँ पर उसको ओपन किया। अब इसके बाद गाइस हम यहाँ पर अपना जो लिंक है वो देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जब नेविगेशन मेन्यू दिखे यहाँ पर तो सबसे पहले मेरा होम पेज शो हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, मैं यहाँ पर लिंक देना होगा मुझे, मैं यहाँ पर दे देता हूँ हाँ less, less space, greater, I, great space, less. हमारा
li टैग ऑलरेडी ओपन हो चुका है. अब यहाँ पर हम एंकर टैग को यूज करते हुए लिंक देते हैं यहाँ पर यहाँ पर लिंक का एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे ये एक फाइल है गाइस जिसको मैं अपने होम ऐसा होम पेज यहाँ पर शो करना चाहता हूँ मैं इसको इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो हम होम पेज पर चला जाएंगे यहाँ से. तो उसके बाद इसको ग्रेटर लगाते हैं पर उसके बाद इसका नाम दे देते हैं फाइल यहाँ पर लिंक का होम ओके ठीक है गाइस यहाँ पर हमारा पहला हमने यहाँ पर लिंक दे दिया है इसका. अब एक और लिंक देते हैं गाइस यहाँ पर जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पर नेविगेशन मेन्यू में जैसे हम दो तीन लिंक यहाँ पर दे देते हैं जिससे प्रॉपर हमको समझ में आएगा गाइस. तो एल आई टैग को मैंने ओपन किया है यहाँ पर. अब फिर से हम ठीक है गाइस हमारा यहाँ पर होम लिंक मैंने यहाँ पर ऐड किया. इसके बाद मैं जॉब्स का यहाँ पर एक लिंक ऐड किया sakarizult.com का. उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट अस भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं हम. तो कॉन्टेक्ट अस का लिंक यहाँ पर हम ऐड करते हैं. उसके लिए भी सिंपल होगा गाइस मैं यहाँ पर ग्रेटर एंड मेरा यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस का ऑलरेडी का इस पेज है मेरा. तो मैं यहाँ पर इसके बाद ओके गाइस सारे यहाँ पर कैपिटल में लिखे हैं शो कर रहा है ये. ओके गाइस तो यहाँ पर गाइस अब यहाँ पर सही हो चुका है बिल्कुल. तो लिंक से ना मैंने आपको बता ही दिया है गाइस. अब CSS का यूज़ करने से पहले गाइस इसका एक व्यू देख लेते हैं कि जब इस फाइल को हम रन करेंगे तो इसका कैसा व्यू आता है. उसके लिए इस फाइल को मुझे पहले सेव करना पड़ेगा. तो मैं इसको जल्दी से सेव करता हूँ इस फाइल को. और बाकी टैग तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर टाइप कर चुका था तो जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. तो मैं यहाँ पर गाइस इस फाइल को नाम दे देता हूँ नेविगेशन लोकेशन दे देता हूँ मुझे कहाँ पर सेव करना है इस फाइल को.
Level 1, downloads, desktop, level 1, enter, search desk app, shell folder, view, IW, website, enter, shell folder, tab, enter, nick app, file name app, save as type code app, toolbar, I app, encoding code app, save button to add space, edit, type and text. ठीक है गाइस, तो यहाँ पर ये फाइल हमारा सेव हो चुका है, अब इसको पहले रन करते हैं, देखते हैं. Windows D, desktop, W, website, enter, website, items, view, multi-send, navigation, underline, menu.html. ये हमारी फाइल है गाइस, मैं यहाँ पर. Application, check, scan with Microsoft, open with sub, Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, enter, leaving menus, website, items, view, multi-select, list box, navigation, underline, menu.html, 9/4/2019, 3:44 p.m. Firefox. ओके गाइस, हमारा ओपन हो चुका है, ये देखते हैं, इसको एक बार रीड करते हैं. My first web page, list of three items, bullet. Visited link home, bullet link jobs, bullet link website slash contact underline us. तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर ये काफ़ी डिफरेंट लग रहा है, थोड़ा सा इसका कोड देखते हैं यहाँ पर, मुझे लग रहा है शायद लास्ट वाले कोड में कुछ यहाँ पर दिक्कत है. Alt tab, website. Alt tab, jaws home use, alt tab, navigation underline menu. ये हमारा फाइल है. Less lead greater lesser ref equals less slash all greater. Less lead greater lesser ref equals quote lesser. Space, greater. Space less a space h r e f e quote c o n t a t a t a c t underline u s period h t m l quote space c space. Okay guys, देखिए यहाँ पर greater नहीं लगा था. Greater space c o n t a c t space u s less slash a great less slash l I greater blank. ठीक है guys, यहाँ पर ये हमारा. Control s alt tab my first web page dash internet explorer f 5 contact us link. अब देखिए guys यहाँ पर. My first list of the bullet. Visited link home, bullet link jobs, bullet link contact us, list end. ठीक है गाइस, लेकिन ये पेज काफ़ी अलग सा लग रहा है गाइस, जब मैं इसको रीड कर रहा हूँ तो हम बुलेट्स और ये सब शो कर रहा है, तो ये एक HTML का बेसिक ये नेविगेशन मेन्यू है गाइस, बट अभी ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा जब गाइस मैं इसमें यहाँ पर CSS का यूज़ करूँगा. तो CSS से क्या होता है, एक तो लुक वाइज काफ़ी अच्छा दिखता है पेज, तो वो कैसे डिज़ाइन करते हैं यहाँ पर, कैसे स्टाइल दे सकते हैं गाइस, तो उसके लिए आइए मैं उसी फाइल में जाता हूँ. यहाँ पर हमारा कोड लिखा है नोटपैड में. Alt tab, navigation underline menu. तो गाइस यहाँ पर हम इंटरनल CSS का यूज़ करेंगे, इनलाइन का भी कर सकते थे लेकिन इंटरनल का इजी रहेगा यहाँ पर यूज़ करना. तो इंटरनल का मैंने आपको बताया था यहाँ पर हेड सेक्शन में हमारा CSS इस्तेमाल कर सकते हैं हम, तो उसके लिए मैं यहाँ पर चलता हूँ ऊपर. Less HTML, less head greater, less title greater, less head great, blank, greater, blank, enter. हेड के आगे गाइस मैं यहाँ पर स्टाइल टैग को ओपन करूँगा. Greater, greater, less, S T Y L E. ग्रेटर. अब गाइस सबसे पहले हमको यहाँ से आपने देखा होगा इसमें बुलेट्स शो कर रहा है, बुलेट होम, बुलेट्स कॉन्टेक्ट अस लिंक, ये सब शो कर रहा है. तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो बुलेट्स है वो रिमूव हो जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा गाइस, उसके लिए सबसे सिंपल है यहाँ पर UL लिखेंगे यहाँ पर, बिकॉज UL में हम जो लिस्ट है उसका हम स्टाइलिंग है वो यहाँ पर नन कर देंगे. ओके, जिससे क्या होगा यहाँ पर बुलेट्स या फिर स्क्वायर ब्रैकेट इन जो भी स्टाइलिंग है यहाँ पर वो कुछ भी शो ना हो. ठीक है, तो इसके लिए गाइस मैंने यहाँ पर UL टैग को लिखा यहाँ पर. इसके बाद हाँ ठीक है गाइस, UL लिखा यहाँ पर एक बार यहाँ पर. अब ब्रैकेट ओपन करते हैं यहाँ पर और हम इसमें लिख देते हैं L-I-S-T स्टाइल underline list dash dash s t y l e dash style dash t y e e type type code type मैं दे देता हूँ यहाँ पर n o n e. तो गाइस यहाँ पर मैंने लिस्ट का जो स्टाइल है उसका जो टाइप मैंने यहाँ पर चूज़ किया वो मैंने नन कर दिया यहाँ पर, क्यों, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर बुलेट्स में या फिर स्क्वायर ब्रैकेट में वो शो हो लिंक्स. ओके ठीक है गाइस, यहाँ पर सेमी कोलन लगा देते हैं. अब गाइस इसके बाद लिस्ट में मार्जिन नहीं होता है, मतलब मार्जिन बेसिकली नहीं होता है या फिर पैडिंग कहें वो भी नहीं होता है. तो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे ही रन करूँगा तो जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र का जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है गाइस उसके आधार पर जो भी मार्जिन और वहाँ पर पैडिंग होगा वो वहाँ पर ऑटोमेटिक शो करेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मार्जिन और पैडिंग बिल्कुल ज़ीरो रहे, तो उसके लिए गाइस यहाँ पर हमको स्टाइलिंग करनी पड़ेगी. इसके लिए भी सिंपल है यहाँ पर. ध्यान रहे गाइस हम यहाँ पर केवल ये UL है उसकी स्टाइलिंग कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो ओके मार्जिन इसका जीरो का ऐसे यहाँ पर margin मार्जिन colon semicolon semicolon colon zero enter blank semicolon enter margin colon dash style dash margin blank.
ठीक है गाइस, मार्जिन में दे दिया इसका जीरो। अब इसके बाद गाइस पैडिंग भी इसका जीरो कर देते हैं बिल्कुल, जिससे वहां पर शो ही ना हो। पैडिंग कोलन जीरो सेमी कोलन एंटर। और गाइस इसके बाद लास्ट मैं चाहता हूं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज हो जाए, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे यहां पर ठीक है गाइस यहाँ पर। और अगर आप लोगों को CSS के बारे में और जानना है तो गाइस मेरा प्रीवियस ट्यूटोरियल सुन सकते हैं, इसमें मैंने CSS के बारे में बताया कि कैसे यूज़ करते हैं इसको। तो यहाँ पर मैंने सेमी कोलन लगा दिया गाइस, अब क्या हो गया यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसको कर देते हैं ब्रैकेट को क्लोज, बिकॉज यहाँ पर हमारा UL का काम कंप्लीट होता है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से गाइस आप यहाँ पर स्टाइलिंग दे सकते हैं। अब गाइस अगर मैं इसको अभी रन करूँगा तो इसमें काफ़ी सारा आपको चेंजेस मिलेगा, बट थोड़ा सा और चेंज करते हैं गाइस इसमें। अभी ये हॉरिजेंटली शो हो रहा होगा गाइस, आपने देखा होगा अगर, तो लेकिन मैं चाहता हूँ एक तो ये वर्टिकली शो हो, और दूसरा आगे मैं चाहता हूँ कि इसका जो होल एरिया है यानी कि इसका जो टेक्स्ट है वहाँ पर मैं स्टाइलिंग स्टाइल को अप्लाई करूँ। अभी तो हमने UL टैग के अंदर स्टाइल को अप्लाई किया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हमारा टेक्स्ट है या फिर जो हमारा लिंक है उसी के ऊपर हमारा स्टाइल अप्लाई हो, तो उसके लिए क्या करेंगे गाइस, उसके लिए li के अंदर हम लेस ए ग्रेटर एलिमेंट्स का यूज़ करते हुए उसके अंदर जो भी लिंक या फिर जो भी है हम उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले Less, L-I, L-I, because list item है यहाँ पर, A, तो गाइस यहाँ पर हमने A लिया। अब इसके बाद Left brace, enter करते हैं, ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट किया, और इसमें गाइस मैं दे देता हूँ, सबसे पहले तो हमको देना पड़ेगा D-I-S-E-L-A-Y, display, colon, B-L-O-C-K, ये क्या है गाइस, ये एक होल एरिया है, मतलब इसका खुद से एक ब्लॉक होगा इसका, जो कि टेक्स्ट को अलग से यहाँ पर शो करेगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने गाइस डिस्प्ले में ब्लॉक दे दिया इसको, अब इसको सेमी कोलन लगा देते हैं इधर, और इसका गाइस ठीक है गाइस, इसका मैं यहाँ पर जो भी टेक्स्ट है मैं चाहता हूँ कि वो सेंटर में शो हो। ओके, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी इसके अंदर टेक्स्ट या फिर जो भी लिंक हो वो हमारे सेंटर में शो हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए टेक्स्ट एस अलाइन कोलन ठीक है गाइस यहाँ पर सेमी कोलन, और उसके बाद मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ color colon double h i t e white semicolon ठीक है गाइस, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, और इस तरीके से गाइस यहाँ पर हम इसका कलर और जो भी चाहे हम दे सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको क्लोज करता हूँ गाइस। राइट ब्रेस, अब गाइस देखिएगा इसमें जब मैं इसको रन करूँगा तो काफ़ी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे इसके अंदर। अब गाइस इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है जो कि है हावर, हावर जो होता है गाइस एट्रीब्यूट हमारा, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर जब भी हम माउस कर्सर को या फिर हमारा जो कर्सर होता है बेसिकली, अगर उसको किसी लिंक पर ले जाएंगे गाइस, तो जैसे ही उस लिंक पर कर्सर हमारा पहुंचेगा तो हमारा जो लिंक का जो कलर है वो मैं चाहता हूं कि चेंज हो जाए, बिकॉज वैसे तो वैसे ही रहेगा जिसमें हमने जो सेटिंग की है, लेकिन लिंक को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर उसका जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा, तो उसके लिए क्या करना होगा इस, उसके लिए फिर से यहां पर हम आई हाँ, तो गाइस यहाँ पर हम लिखते हैं इसको लेस्ट आइडल ब्लैंक लेस्ट आइडल ग्रेटर माइ कलर कोलन ली कलर कोलन व्हाइट सेमी कोलन राइट ब्रेस ली। हाँ तो गाइस मैं आपको बता रहा था ब्लैंक हावर के बारे में, एल आई ब्लैंक यहाँ पर हम लिखते हैं कोलन सॉरी कोलन स्पेस ए कोलन ए ओ वी आर मैं लिखा गाइस एल आई ए कोलन हावर, तो मैं इसका कोड भी गाइस आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा जिससे आपको इजीली आप समझ पाएँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने हावर में यहाँ पर ये दे दिया हमने, और गाइस यहाँ पर मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं चाहता हूँ
लेफ्ट ब्रेस, पहले यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो इसका गाइस जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं चाहता हूँ कि इसका क्या दे सकते हैं, ठीक है गाइस, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं चाहता हूँ कि जब वहाँ पर कोई अपना कर्सर ले जाएगा तो उसका जो कलर है वो चेंज होकर रेड हो जाए वहाँ पर। ओके, तो देते हैं कलर कलर एंड गाइस, इसके बाद बैकग्राउंड कलर तो चेंज हो ही, मैं चाहता हूँ कि इसका कलर भी चेंज हो जाए, तो वो भी खैर ठीक है, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ही रहने देते हैं इसको, यहाँ पर इसको रोज कह देता हूँ। और गाइस इसके बाद गाइस यहाँ पर आप जैसे मैंने बताया आप कलर भी दे सकते थे इसका, तो मैंने हालांकि दिया नहीं है पर दे सकते हैं आप। तो फिलहाल गाइस इसको यहाँ पर क्लोज करते हैं, आप देखते हैं इसमें क्या चेंजेस आए हैं। यहाँ पर मैं स्टाइल टैग को क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर, हाँ तो गाइस यहाँ पर स्टाइल टैग यहाँ पर हमारा क्लोज हो चुका है। मैं इसको सेव करता हूँ कंट्रोल एस से, और Alt tab, navigation of Alt tab, my first web page dash Alt shift tab, navigation underline menu dot html dash notepad. Alt tab, my first web page dash Internet Explorer. तो गाइस अभी देख रहे हैं आप, रिफ्रेश करने से पहले इसका इस तरीके का व्यू है गाइस, देख सकते हैं आप इसका। Tab, new tab page, home visited link, bullet link job, bullet link contact us. ये गाइस इसका व्यू है, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देखिए कैसे चेंज होता है यहाँ पर। F5, contact us link. अब देखिएगा इसका वेब पेज लिस्ट ऑफ 3 आइटम्स विजिटेड लिंक होम लिंक जॉब्स लिंक कांटेक्ट अस। आपने देखा सबसे पहले गाइस इसका जो बुलेट्स यहां पर शो हो रहे थे वो यहां से बिल्कुल गायब हो चुके हैं अब, और आई थिंक हो सकता है शायद ये ब्राउज़र वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर इसको सपोर्ट ना कर रहा हो कुछ एलिमेंट्स को यहां पर, तो आप इसको गूगल क्रोम पर ओपन कीजिएगा, बिकॉज मेरा गूगल क्रोम प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हो सकता है यहां पर कुछ गाइस शो ना हो रहा हो कुछ चीज़ें यहां पर। तो बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से गाइस काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं इसमें। अब गाइस एक और टैग होता है, मैं एक और क्या यहाँ पर हम इसको पैडिंग दे सकते हैं, alt tab website website इसको पहले alt tab 4 my first web page dash internet alt tab navigation underline menu dot html title greater my first web page less less slash less 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 lead greater less 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 title greater my first background dash color colon neon colon anchor वाले इसमें चलते color, हैं color colon white sem text dash align display colon less lead left brace display colon text dash align color colon white semi blank right brace semicolon right brace enter। हाँ तो गाइस यहाँ पर हम जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर हमने इसका कलर दिया था, मैं चाहता हूँ कि इसका जो टेक्स्ट है गाइस वो उसकी जो हमने स्टाइलिंग की थी, जो भी हमारा टेक्स्ट या फिर लिंक्स था एलआई के अंदर हमने लेस ए ग्रेटर एलिमेंट्स का यूज़ किया था, तो वहाँ पर गाइस मैं चाहता हूँ कि इसका पैडिंग भी शो हो, मतलब थोड़ा स्पेसिंग भी हम इसको दे सकते हैं वहाँ पर। पैडिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, तो मैं चाहता हूँ इसका जो पैडिंग है वो हम दे देते हैं padding colon 18px semicolon right brace ठीक है गाइस, अब इसको यहां पर control s alt tab my first web page dash internet explorer f6 address insert f5 c:\app new tab page home visited link। अब गाइस अगर आप देख पा रहे होंगे तो देख सकते हैं यहां पर इसका पैडिंग भी शो हो रहा होगा, तो इस तरीके से गाइस यहाँ पर हम क्लिक कर सॉरी नेविगेशन क्रिएट कर सकते हैं, और भी इसमें है गाइस फ्लोट का भी हम यूज़ कर सकते थे, फ्लोट का कहाँ यूज़ कर सकते हैं, यस यूएल के अंदर गाइस हम फ्लोट का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हमने स्टाइलिंग दी थी इसकी, तो वहाँ से उससे क्या होता कि जितने भी जो लिंक्स शो हो रहे हैं यहाँ पर ये सारे लिंक्स लेफ्ट में शो होते लेफ्ट की तरफ फ्लोट करते, तो उस तरीके से गाइस आप इसको और भी डिज़ाइन कर सकते हैं काफ़ी अच्छा, हालांकि काफ़ी हद तक इसमें चेंजेस आ चुके हैं। तो जैसे कॉन्टैक्ट अस पर मैं अगर क्लिक करूँगा ठीक है गाइस, यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट अस का मेरा एक HTML का पेज था जिससे जिसको मैंने यहाँ पर लिंक किया था, तो उस पेज पे इसने मुझे रिडायरेक्ट कर दिया। तो गाइस ये यहाँ पर फॉर्म है, मतलब कॉन्टैक्ट अस फॉर्म है यहाँ पर, मैं इसको Control W navigation underline menu dot html dash notepad edit type of text. मैं वहीं पर आ चुका हूँ. Windows D desktop full W HTML files date created colon 7/30/2019 file def4 shutdown windows dialog escape
Windows D, desktop, E, email.txt, Excel 2, player.tw, website, enter, website, type about underline, route, animals.html, and navigation underline menu.html, enter. ये वाली फाइल दी गई हमारी यहाँ पर, मैं इसको ओपन, list of three items, my list of link home, जैसे होम पर मैं क्लिक करूँगा, enter, तो यहाँ पर, route-mozilla firefox, route-mozilla, ये VR की गई फाइल खुल गई, जिसपे हमने काफी टाइम प्रैक्टिस भी किया है यहाँ पर, तो, blank, heading level 1, what's the speciality, blank, table with three columns, courses, तो गाइस इस तरीके से गाइस आप यहां से इसको ऐसे पेजेस को लिंक कर सकते हैं. और अगर गाइस आपके पास कोई लिंक नहीं है पर ऐड करने के लिए, तो सिंपल आप वो कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूं. Alt F4, website, items view, multi-select, alt tab, jaws, home, mute, alt tab, navigation, underline, menus, dot, lea, colon, hover, left, background, dash, color, colon, black, bottom, less, slash, all, greater, less, lea, greater, lesser, ref, equals, quote, contact, as, less, slash, up, blank, जैसे गाइस मैं यहाँ पर एक पेज एक और लिंक ऐड करता हूँ अबाउट अस. लेकिन क्या होता है गाइस, कभी कभी हमारे पास लिंक नहीं होता और जस्ट हम टेस्टिंग कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, मैं दिखाता हूँ आपको. जैसे लेस एल आई एक और यहाँ पर लेते हैं स्पेस लेस ए एच आर ई एफ रेफ इक्वल्स क्वोट. यहाँ पर गाइस डबल कोट्स के अंदर जो लिंक दिया था मैंने अभी तक जितने भी लिंक्स दिए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कोई सपोज लिंक नहीं है, हमें यहाँ पर केवल टेस्ट करना है. तो मैं यहाँ पर लिखूँगा हैश नंबर नंबर साइन लगाएंगे यहाँ पर, और जैसे अबाउट अस बनाना चाहता हूँ यहाँ पर पेज ए बी ओ यू टी अबाउट स्पेस यू एस एंड उसके बाद कोट क्लोज करेंगे, और गाइस उसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी ओ यू टी About you, S, and us, less, slash, A, slash, A, greater, greater, less, slash, L, I, slash, we, greater, control, S, alt, tab, website, website, items, hit, cup, navigation, under, enter, type, colon, firefox, html, dot, same page, link number, visited, link home, visited, link jobs, link contact, dot, same page, link number, about us, netscape, dispatch, dot, escape. तो इस तरीके से गाइस यहां पर हम अब इस तरीके से लिंक पर हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, बट इस पर गाइस जब मैं क्लिक करूँगा तो कुछ होगा नहीं. Escape at my first web page visit link same blank number about us blank number about us link contact us same page link number about us. देखिए यहाँ पर लिंक बन चुका है ना कि हैश शो कर रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें. Enter number about us same page link number about us. तो गाइस देखिए यहाँ पर ये लिंक ओपन हुआ नहीं, बट एज अ लिंक यहाँ पर ये शो कर रहा है. तो इस तरीके से गाइस आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं इसको. तो तो गाइस इस तरीके से गाइस आप इसको यूज़ कर सकते हैं, CSS के जरिए आप एक नेविगेशन क्रिएट कर सकते हैं, द यूज़ ऑफ CSS एंड HTML. एंड आई होप गाइस ये आपको प्रॉपर समझ में आया होगा. एंड इसके रिगार्डिंग गाइस जो भी आपकी फीडबैक है तो प्लीज़ मुझे दे सकते हैं आप मेरी ईमेल आईडी पर, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और मैं कमेंट के जरिए गाइस आप बता सकते हैं. एंड सॉरी गाइस ट्यूटोरियल काफ़ी लेट से आ रहा है, बिकॉज थोड़ा सा बिजी था मैं, फ्री नहीं था, तो इसीलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया था. खैर गाइस मिलते हैं चलिए किसी दूसरे ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए इसको, और अगर आपके फीडबैक्स हैं तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा. ओके गाइस बाय टू ऑल.